मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सेठ और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आखिरकार एसएससी का रिजल्ट आ गया है, कई घर में खुशी तो कई घर में गम सा छा गया है। हमारे साथ मौजूद है कुरला इलाके के जैद, जिन्होंने पूरे कुरला का नाम रोशन किया है 94% लाकर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी कितनी खुशी है, क्योंकि इस बच्चे को कहीं ना कहीं जो इनके पिता है वो टेलर है और जो बैकग्राउंड समाज से आते हैं उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है स्टडी को लेकर। जो आसपास के इलाके होते हैं, इन्वायरमेंटल होता है, उसका सही से सपोर्ट नहीं रहता है, क्योंकि कुरला इलाका जो कि आपराधिक गतिविधि के लिए भी जाना जाता है, मगर कुरला से इस तरीके के टैलेंट और एजुकेटेड सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ और बेहद अच्छी बात है। आइए हम जैद से ही बात करते हैं कि जैद कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। कितना परसेंटेज लाए हो? 94। तो कहीं ना कहीं पूरे कुरला में टॉप लग रहा है। हाँ लग रहा तो है। तो क्या कैसे स्टडी करते हैं? कुरला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो नशा है बढ़ता अपराध है, इन सब के बीच में रह के स्टडी करना तो काफ़ी मुश्किल होता है, तो कैसे स्टडी करते हो? तब मैं बाहर ही आता ही नहीं था, मैं घर में ही पढ़ता था, तो वो सब चीज़ इफेक्ट नहीं करती थी मेरे को इतनी। घर में ही रह के मैं मतलब बाहर गया ही नहीं ये पूरा 10th का साल, तो घर में ही रहा तो इफेक्ट नहीं हुआ उसका कुछ, मतलब एरिया का इफेक्ट नहीं हुआ सराउंडिंग में। तो आपके भाई ने तो 90% लाए थे, आप उनसे रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे कहीं? हाँ वो भी मोटिवेशन थी रिकॉर्ड तोड़ने की, इसलिए आया अभी 94। अच्छा। और वो भाई की भी हेल्प थी थोड़ी बहुत, इसलिए आ गया 94। तो स्टडी में कितना स्ट्रगल होता था, क्योंकि हम देखते हैं जो कुरला के बच्चे, खास करके कुरला के जो बच्चे होते हैं वो स्टडी में इतना नहीं रहते हैं, तो कितना स्ट्रगल रहता है, कितनी डिफ़िकल्टीज आती है आपको स्टडी में? जो भी डिफ़िकल्टी रहती थी, मतलब मैं जो क्लासेस ज्वाइन किया था वो सर सब डिफ़िकल्टी तो ऑलमोस्ट दूर ही कर देते थे। फिर अगर कुछ डिफ़िकल्टी मतलब डाउट वाउट आता था तो वो मैं इंटरनेट से निकाल सॉल्व कर देता था, और अगर फिर भी नहीं होता था तो मम्मी भी मेरे टीचर है वो बता देते थे, या फिर भाई है वो बता क्लियर कर देते थे डाउट। अच्छा। इन सब पूरे मामले के बीच में कहीं ना कहीं जो माँ बाप होते हैं उनका बेहद अहम योगदान होता है, तो जैद की मम्मी से बात करते हैं और जानते हैं। मैम बताइए कितनी खुशी हो रही है आपके बच्चे 94 पर जाए, क्या सहमत हैं आप? बहुत सहमत हूँ, बहुत खुशी हो रही है हम लोग को, अच्छा परसेंटेज लाया मेरे बेटे ने। नहीं कुरला एक ऐसा क्षेत्र, आप टीचर भी हो, आप देखते भी रहेंगे बच्चे लोगों को, कुरला एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो बढ़ता नशा है, बढ़ता अपराध देखा जाता है, तो इन सब के बीच में इतना नंबर लाना बेहद मुश्किल होता है, तो कितना? बेटे भी घर से बाहर नहीं जाते, उन लोग माहौल में बिल्कुल भी वो नहीं करते, घर ही में रहते हैं और पढ़ाई और स्कूल ट्यूशन इसी से मतलब रखते हैं उन लोग, घर से बाहर ना दोस्ती फजूल की, उन लोग की दोस्ती भी है तो उन्हीं के लेवल के बच्चों की। अच्छा। नहीं जो और माँ बाप हैं कुरला क्षेत्र में वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस तरीके के पढ़े और आगे बढ़े, तो उन्हें आप कैसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे उनके बच्चे इस तरह पढ़ के आगे बढ़े? मैं उन पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रखो और बच्चों को घर में एजुकेशन के लिए खुद मतलब हेल्प करो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा घर से ही स्टार्ट करते हैं हर चीज़ के लिए, बाहर बाद में जाते हैं। और इन सब के बीच में जो माता पिता का योगदान सबसे अहम होता है, तो किस तरीके का बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जब अगर बच्चे का नंबर कम आता है तो माता पिता उनको मारना चालू कर देते हैं, तो बच्चा इरिटेट होकर कुछ उल्टी सीधी हरकत करने लगता है। ये सब तो गलत है, क्योंकि बच्चे का जितना दिमाग रहेगा वो उतना ही करेगा, और मेन सपोर्ट तो माँ बाप को करना चाहिए बच्चों को। अगर उसने परसेंटेज कम लाया है तो उसको तुम इनक्रेज करो, ऐसा नहीं कि उसको तुम डांटो मारो, वो सब तो उसकी नसीब का है, तो जितनी पढ़ाई किया उतने ही मार्क्स मिलेंगे उसको। और मेन डिपेंड है ना, तो हमारे सर थे क्लासेस के, वो बहुत मेहनती सर है, उनकी वजह से मेरे बच्चे ने इतना परसेंटेज लाया है। उनका डेविड सर नाम है उनका, बैल बाजार में क्लासेस है, सेमेरॉन ना स्मरना, बहुत मेहनती सर है वो, पूरा क्रेडिट मैं तो वो सर को दूंगी। कहीं ना कहीं बच्चे की मेहनत, क्योंकि सर की क्लास में और भी कई मेहनत है, लेकिन सर ने भी बहुत बच्चों को, हाँ बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे सर है वो, और सुबह से शाम तक बच्चों के पीछे एकदम पागलों की तरह मेहनत करते थे वो, बहुत मेहनत की है सर ने। जैद के पिता भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि जो जैद के बड़े भाई है उन्होंने 10th में 90% लाया था और जैद ने अब 94 लाके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
जो एक पिता होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काफी उनको लगाव होता है और उम्मीदें होती है, क्या कुछ कहोगे कि आपके बच्चे ने 94 पढ़ लिया, कितनी खुशी है? मुझे तो बहुत खुशी है और खुशी इतनी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इसकी मेहनत देख के मुझे लगता था कि वो लेकर आएगा। इसका बड़ा भाई है वो भी पढ़ने में बहुत होशियार था। इन लोग के एडमिशन के टाइम पे मैं चाहता था मेरे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े, तो उसके लिए मैं बहुत मेहनत किया था, लेकिन उस टाइम मैं स्लम में रहता था, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। तो 2-3 महीना मैं फादर के पीछे स्ट्रगल करके इसका एडमिशन करा कि हॉली क्रॉस में पढ़ता है, और इसने स्कूल का भी नाम रोशन किया और हम लोग का भी नाम रोशन किया। जी आप एक टेलर हो और इतना ऊंचा सपना, मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बाप ऊंचा ऊंचा सपना जरूर देखते हैं, तो इसे साकार करने में बच्चों का भी योगदान बहुत ज़रूरी होता है, तो इतना ऊंचे सपने साकार करने के लिए इस बच्चे को आप क्या कुछ कितना सपोर्ट करते हैं? मैं बच्चों को तो जब तक पढ़ना चाहे तब तक सपोर्ट करूँगा और मेहनत से, और इसकी मम्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं तो बाहर काम करता हूँ, बाहर काम करके आता हूँ, लेकिन रात दिन जो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, जो डिसिप्लिन इन लोग में आई है वो इनकी माँ की वजह से आई है, तो इनकी माँ को भी मैं इसमें क्रेडिट दूंगा कि आज जब वही बच्चे, दोनों मेरे बच्चे, बड़ा वाला इंजीनियरिंग कर रहा है उसमें भी माँ का हाथ है बहुत बड़ा, और इस बच्चे में भी इंशाल्लाह माँ का ही हाथ है पूरा। अच्छा ठीक है, चले तो जैद के भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनके भाई कहीं भाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो क्या कुछ और कितनी खुशी हो रही है? हाँ बहुत खुशी हो रही है, और जिस हिसाब से इसने मेहनत किया था तो उस हिसाब से वर्थ इट था इसका। हम ये मेहनत ऐसी करता था तो मुझे लगा था 90 अबव आएगा इसका। तो कंपटीशन चलो था घर ही में आपस में, हाँ मगर हम लोग तो देखते हैं आपकी बिल्डिंग की मैं बात कर लूँ, हम लोग देखते हैं कि लोग पबजी खेल के आपस में उसमें कंपटीशन करते हैं, क्या लोगों को ऐसा करने से इससे बेहतर है कि इस चीज़ में कंपटीशन करें? जी जी ज़रूर, इसमें जैसा ये भी सब गेम्स वगैरह से दूर था, इसने अभी तक मतलब खेला ही नहीं है समझ लो गेम्स, पहले खेलता होगा लेकिन 10th में इसका माइंड सेट बना हुआ था कि इसे मतलब 90 अबव स्कोर करना है, मेरा रिकॉर्ड तोड़ना है। ठीक है, तो कहीं ना आप देख सकते हैं अगर इंसान पहले से अपना माइंड सेट कर ले तो सब कुछ कर सकता है, और अगर कंपटीशन करना है आपको तो अच्छी चीज़ों में कंपटीशन करें ना कि बुरी चीज़ों में, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो। अब देखना ये रहेगा कि जैद के इस 94% के बाद कुरला के बच्चे किस तरीके से इनसे सबक सीखते हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद का जैन सैन, मुंबई टीवी, कुरला।